तो ये आप देख सकते हैं कि हमारी एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कास्ट का फाइनल फॉर्मेट जो है वो रेडी है। इसका आप प्रीव्यू करके भी देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कास्ट का फॉर्मेट जो है वो बनाना सीखेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने टेक ऑफ शीट का फॉर्मेट बनाना सीखा था, जो कि ये मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये पूरी जो शीट हमने फाइनल की थी, और तो चलें स्टार्ट करते हैं एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कास्ट का फॉर्मेट। इसके अंदर सबसे पहले हमें टॉप पे जो है कंपनी का नेम जो है वो लिखना होता है। मैं इसको यहाँ से टेक ऑफ शीट से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद हमें यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम वो कॉपी करना है। और ये कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। बाद यहाँ पे हमें ये लिखना है एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट, जो कि इस शीट का नेम है, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट। के बाद यहाँ पे हम सबसे पहले रखेंगे आइटम नंबर, जो कि AOQ का आइटम नंबर होता है, और उसके बाद डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन के बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे यूनिट। यूनिट यूनिट के बाद हमें आ चाहिए क्वांटिटीज। ऑफ वर्क क्वांटिटी वर्क डन की लिखेंगे, क्योंकि आईपीसी के अंदर आपको पता है कि वर्क डन की अगेंस्ट ही आईपीसी बनती है। तो यहाँ वर्क डन के नीचे हमें तीन कॉलम बनाने हैं। एक प्रीवियस क्वांटिटी होगी, उसके बाद करंट क्वांटिटी आ जाएगी, और यहाँ पे आ जाएगी। इससे आगे हमारा यहाँ पे रेट आ जाएगा। रेट के बाद हमारी अमाउंट आ जाएगी। अमाउंट के अंदर आगे जो है वो हम करेंसी ऐड कर देंगे, और यहाँ पे भी हमारे प्रीवियस करंट और टोटल चलेगा अमाउंट के नीचे, और यहाँ पे हम डाल देंगे रिमार्क्स। इसके बाद हमने यहाँ पे अब इसकी जो है वो सेटिंग करनी है। सबसे पहले फाउंडेशन बिल्डर्स, यहाँ तक रिमार्क्स तक हम जो है इसको मर्ज कर लेते हैं, और इसके बाद हाउस प्रोजेक्ट नेम जो है वो उसको मर्ज कर लेते हैं सेल को, और यहाँ पे शीट नेम जो है वो इसको भी हम मर्ज कर लेते हैं। इसके बाद हमारा जो है वो यहाँ पे आइटम नंबर, ये दो सेल के अंदर मर्ज होगा। डिस्क्रिप्शन दो सेल के अंदर मर्ज होगा, और यूनिट भी दो सेल के अंदर मर्ज हो जाएगा। रेट इसको भी दो सेल के अंदर मर्ज करते हैं। रीमार्क्स को भी दो सेल के अंदर मर्ज कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे दोनों रोज को सिलेक्ट करें, इसको सेंटर में करें, और यहाँ से इसको भी सेंटर में कर दें। इसके बाद ये हमने मर्ज यहाँ पे गलत किया है, हमें यहाँ इसको शीट को मर्ज करना है रीमार्क्स तक। और इसके बाद हम सारी शीट कॉलम को सिलेक्ट करें, और यहाँ पे इसके ऊपर डबल क्लिक करें, ये सेटिंग हो जाएगी इसकी, इसके कॉलम की। अब जो है अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप इसको कॉलम के साइज को छोटा और बड़ा कर सकते हैं। ये जो क्वांटिटीज है इसको भी हम इनके तीनों के ऊपर मर्ज करेंगे, अमाउंट को भी तीनों के ऊपर मर्ज करेंगे। दोबारा इसको सिलेक्ट करें कॉलम्स को, और डबल क्लिक कर दें। डबल क्लिक करने के बाद हमें जो है वो डिस्क्रिप्शन का कॉलम उसका साइज थोड़ा बड़ा चाहिए, और क्वांटिटीज को तीनों को सिलेक्ट करें और थोड़ा इसको इंक्रीज कर दें। अमाउंट के कॉलम तीनों सिलेक्ट करें और इसको इंक्रीज कर दें, और रीमार्क्स के कॉलम को थोड़ा सा इंक्रीज कर दें। इसके बाद अब हमें चाहिए इसका बॉर्डर। बॉर्डर के लिए आप जो है वो यहाँ से जा सकते हैं। टेक ऑफ शीट में मैंने दो ऑप्शन बताए हुए हैं, आप टेक ऑफ शीट वाली वीडियो को एक बार देख सकते हैं, अगर आपने पेज सेटअप और बॉर्डर वगैरह देखा। ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दें, और इसके बाद यहाँ पे इसके बॉर्डर को ठीक कर दें, और यहाँ पे ओवरऑल को सिलेक्ट करें और ठीक कर दें, और यहाँ पे नीचे भी इसको ठीक कर दें। इसके बाद यहाँ पे हमें अमाउंट जो है वहाँ तक इसको
मर्ज करना है। मर्ज करने के बाद यहाँ पे आप लिखें टोटल अमाउंट, इसके आगे करेंसी ऐड कर दें, इसको बोल्ड कर दें, इसको भी बोल्ड कर दें, सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद बोल्ड करें, बोल्ड करने के बाद यहाँ पे इसका कलर सेलेक्ट कर दें। अब यहाँ पे जो हमने कंपनी नेम लिखा है इसको बोल्ड करें और साइज इसका इंक्रीज कर दें एज पर योर रिक्वायरमेंट, और इसको भी बोल्ड कर दें और इसको भी बोल्ड कर दें। इसके बाद अभी हम जो है वो इसकी पे सेटिंग करते हैं। पे सेटिंग जो है वो मैंने टेक ऑफ शीट वाली वीडियो में पहले बताई हुई है, अभी मैं यहाँ नहीं बता रहा। जो नए व्यूअर्स हैं वो पे सेटिंग के लिए मैं टेक ऑफ शीट की वीडियो का लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप पहले वो देख लीजिएगा और फिर इसके फॉर्मेट पे आ जाइएगा। तो मैं यहाँ पे अभी सेटिंग करके फिर आपको फाइनल व्यू बताता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारी एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कास्ट का फाइनल फॉर्मेट जो है वो रेडी है। इसका आप प्रीव्यू करके भी देख सकते हैं कि पेज सेटिंग हमारी A4 पे हुई हुई है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल साबित हो और आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि नए जो लर्नर्स हैं उनको इस वीडियो से भी सीखने को मिले। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।